जय सियाराम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में, जो कि पड़ रहा है 28 सितंबर को और ये गुरुवार के दिन पड़ रहा है, तो इस वजह से ये और भी ज़्यादा शुभ योगमय हो जाता है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी व्रत का बड़ा महत्व है। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करते हैं और पूजा के बाद अनंत धागा धारण किया जाता है। इस दिन गणेश के विसर्जन के साथ 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी हो जाता है। यह व्रत धन और संतान की कामना से किया जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी का व्रत 28 सितंबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। तो अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व क्या होता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन अनंत भगवान यानी कि भगवान विष्णु की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र धागा बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। इस दिन गणेश विसर्जन होने की वजह से इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों यानी कि तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुव, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। महाभारत काल से शुरुआत हुई थी की। महाभारत की कथा के अनुसार जब कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था, तो इसके बाद पांडवों को अपना राज पाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा था। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने वन पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकलने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यह भगवान विष्णु के ही रूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अनंत शयन में रहते हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने परिवार सहित अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत भगवान की पूजन से उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। तो इतनी महत्वता है अनंत चतुर्दशी व्रत की। तो आपको ये कैसी लगी कथा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी के लिए मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सियाराम।